एक मिनट बस बना ले सर, पीछे वहीं अंदर ही फोटो खींच जाएगा पीछे सूरज। कर रहा हूँ कोतवाली पुलिस को एक लीड थी कि कुछ वाहन चोर हैं जो लगातार जो चोरियां हो रही हैं उन वाहन चोरों पे कोतवाली पुलिस को कुछ लीड मिली थी और एसएसपी सर के निर्देशानुसार एक टीम बना के इस पर काम शुरू किया गया, जिसमें कल एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। इसमें तीन वाहन चोर जिनके नाम साकिर, दानिश और साकिद हैं, जो कि यहीं के रहने वाले हैं, जिनमें से एक देवबंद का है और दो लोग यहीं के रहने वाले हैं, जिनका मुख्य सरगना है साकिर है, इन तीनों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की हुई 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें से 7 बाइकें मुजफ्फरनगर से ही चोरी हुई हैं जो कि कनेक्ट हो चुकी हैं, 3 बाइकें जो अन्य हैं उनको भी पुलिस प्रयास कर रही है कनेक्ट करने का, वो कहाँ से चोरी हुई हैं। तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है, इनके कब्जे से एक तमंचा, चाकू, नाजायज असला बरामद हुआ है और 10 मोटरसाइकिलें पुलिस ने बरामद। सर कम उम्र के हैं तीनों अपराधी, किस तरह से घटना को अंजाम देते हैं? ज़्यादातर तीन थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम देते हैं। इन्होंने इनके जो ब्लैक स्पॉट थे, जैसे कचहरी है या जो है गांधी बाग है, इस तरह के जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ इनको ये टारगेट करते थे और वहाँ से चुराने के बाद ये कहीं सेफ जगह किसी स्टैंड में या कहीं खड़ी कर देते थे, तो उसके बाद जैसे ही थोड़ी बहुत देर बाद चेकिंग जब बंद हुई घंटे दो घंटे बाद, तो वहाँ से निकाल के उसको सेफ जगह पे अपना। कितना क्या आपराधिक इतिहास इनका? कुछ आपराधिक इतिहास की हम लोग जानकारी कर रहे हैं, चूँकि अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास जानकारी में नहीं आया है, परंतु हम फिर भी उसको जानकारी कर रहे हैं अन्य माध्यमों से कि कहाँ कहाँ से इनको मिल रहा है। सर कैसे बेचते थे सर बाइक को, जैसे चुरा ले कितने में बेचते थे, कोई एक रेट फिक्स है क्या? ऐसा है जब बाइकें चोरी ये करते हैं, कुछ बाइकों में इनको पेपर भी मिलते हैं, जैसे उसी में कोई व्यक्ति पेपर भी रखा होता है, तो जैसे जैसे जो जिस हिसाब का इनको कोई ग्राहक मिलता था उस हिसाब से इसको बेचते थे। और अलग अलग लोगों को ये किसी को 10,000 में 15 में जहाँ जैसे इनका अपना वो बनता था उसी में बेच देते थे और उससे अपना आर्थिक धन जो है वो अर्जित करते थे। उनपे लगातार काम हुआ है तो उसने दर्जनों दर्जनों बाइकें विभिन्न स्थानों से जो चोरी की हैं वो बरामद की और इसी क्रम में लगातार लग रहा है।